सवाल, अगर बीवी ने शोहर के हुक्म के बग़ैर शोहर का सदकातुल फ़ित्र अदा कर दिया तो क्या शोहर का सदकातुल फ़ित्र अदा हो जाएगा? जवाब, अगर बीवी ने शोहर के हुक्म के बग़ैर शोहर का सदकातुल फ़ित्र अदा कर दिया तो शोहर का सदकातुल फ़ित्र अदा नहीं होगा। फतावा आलमगीरी जिल्द एक सफ़ा 193, रद्दुल मुहतार जिल्द 3 सफ़ा 370, फैज़ान रमज़ान मुरम्मम सफ़ा 315, मकतबतुल मदीना कराची। सवाल, ईद के दिन जो मेहमान घर आएं तो क्या उनका सदकातुल फ़ित्र मेज़बान पर वाजिब होता है? जवाब, ईद के दिन जो मेहमान घर पर आएं तो उनका सदकातुल फ़ित्र मेज़बान पर वाजिब नहीं होता, बल्कि अगर वो ख़ुद साहिब निसाब होंगे तो ख़ुद उन पर ही वाजिब होगा। फतावा रज़विया जिल 10 सफ़ा 300, रज़ा फाउंडेशन लाहौर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल, क्या साहिब निसाब मर्द पर अपने वालदैन, छोटे भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों का सदकतुल फ़ित्र वाजिब होता है? जवाब, साहिब निसाब मर्द पर अपने वालदैन, छोटे बहन भाई और दीगर रिश्तेदारों का सदकतुल फ़ित्र वाजिब नहीं होता। फतावा आलमगीरी किताब ज़कात जिल्द 1 सफ़ा 193, मतबूआ दारुल फ़िक्र बैरूत। सवाल, क्या वालिद पर अपनी आक़िल बालिग औलाद का सदकातुल फ़ित्र वाजिब होता है? जवाब, वालिद पर अपनी आक़िल बालिग औलाद का सदकातुल फ़ित्र वाजिब नहीं होता। रद्दुल मुहतार किताब ज़कात बाब सदकातुल फ़ित्र जिल्द 3 सफ़ा नंबर 370, मकतबा रशीदिया क्वेटा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।